लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। जब शूटिंग के दौरान आमिर ने माधुरी के हाथ पर थूक दिया, एक्टर आमिर खान बॉलीवुड के उन स्टार्स में से हैं जो शूटिंग के दौरान खूब सारी मस्ती भी करते हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ किया था, जिसे वे शायद कभी नहीं भूल पाएंगी। आमिर खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी को पर्दे पर खूब पसंद किया गया। हालांकि दोनों ने बहुत ज्यादा फिल्मों में साथ काम नहीं किया। फिल्म दिल में दोनों ने शानदार अभिनय किया था और दीवाना मुझसा नहीं साथ में दोनों की आखिरी फिल्म थी। फिल्म दिल की शूटिंग के दौरान आमिर ने माधुरी के साथ एक ऐसा प्रैंक किया था जिसे माधुरी शायद ही कभी भूल पाएंगी। फिल्म के गाने खंबे जैसी खड़ी है की शूटिंग चल रही थी, जब आमिर ने दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। आमिर ने माधुरी को बताया कि वे लोगों का हाथ देखने में बड़े माहिर हैं। यह सुनते ही माधुरी बड़ी उत्साहित होगी और उन्होंने अपना हाथ आमिर की तरफ यह कहते हुए बढ़ा दिया कि वे उनका हाथ देखकर उनके भविष्य के बारे में बताएं। इस पर आमिर ने पहले तो उनके हाथ की ओर गौर से देखा और फिर उस पर थूक दिया। माधुरी ने खुद यह किस्सा एक सवाल जवाब सेशन के दौरान बताया था, जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने आज तक सबसे नॉटी चीज क्या की है। इस पर माधुरी ने कहा, मैंने फिल्म दिल के सेट पर हॉकी स्टिक लेकर आमिर खान को दौड़ा लिया था, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ एक प्रैंक किया था। फिल्म दिल एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे आमिर खान की फ्लॉप फिल्मों में गिना जाता है।